हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम इलेवन प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे सहयोगी वैभव बोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, चेन्नई के चेपॉक मैदान से जो आ रही है। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया है। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 60 रन बनाए और अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया। IPL 14 में ये पंजाब किंग्स की दूसरी और अहम जीत है। पहले गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने पंजाब के सामने 131 का रखा स्कोर। आपको बता दें कि मुंबई ने बल्लेबाजी करते हुए ये स्कोर विपक्षी टीम के सामने रखा। मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट झटके मुंबई के टारगेट का पीछा करने उतरी। पंजाब किंग्स ने शुरुआत में तेजी से रन बनाए। इसके बाद पंजाब के केएल राहुल ने संभल कर खेला और आखिरकार गेल के साथ मिलकर पंजाब किंग्स को ये जीत दिलाई। और जोशना अगर बात करें इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स अंक तालिका में भी 2 छलांग लगाकर नंबर 5 पर पहुंच गई है। इससे पहले जब इस मैच की शुरुआत हुई थी तो पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर थी, लेकिन इस धमाकेदार जीत के साथ और जब आप 9 विकेट से जीतते हैं, गेंदें भी आपके पास बची रहती है तो जो आपकी नेट रन रेट है वो बढ़ती है और उसी के साथ अब आप मुंबई इंडियंस के ऑलमोस्ट बराबर पहुंच गए हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ संजय मांजरेकर भी जुड़ चुके हैं, अंजुम चोपड़ा भी जुड़ चुकी हैं। संजय, जिस तरीके से आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि जो भी टीम अच्छा खेले वो जीते, तो कहा ये कहना गलत नहीं होगा कि आज पंजाब मुंबई से बहुत ज्यादा अच्छा खेली। जी हाँ, और अगर स्पष्ट शब्दों में कहना है तो मुंबई इंडियंस ने बहुत बुरी बैटिंग की और जब आप पहले 6 ओवर में केवल 21 रन बनाते हो, जिसमें 6 ओवर में 3 मॉइज़ेस एनरिक्स के ओवर थे और दीपक हुड़ा के 2, तो मैंने जैसे अभी ट्वीट किया कि तब मुंबई इंडियंस ने अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग लूजिंग पोजीशन में डाल दिया। और लगातार संजय अगर हम आपकी बात करें, आपने नजरें दौड़ाई हुई हैं, नजरें बनाई हुई हैं केएल राहुल के ऊपर, तो आज जो उनकी स्ट्राइक रेट है उससे तो परेशानी नहीं रही ना आपको आज कुछ? मैंने आज कहा था कि इनके क्रेडिट पॉइंट जो है और ये प्लेयर टू बैक है, क्योंकि आज रन चेस में केएल राहुल खेल रहे थे, तो मैंने कहा था जैसे शो के पहले कि अगर रन चेस में एंकरिंग की जरूरत कभी कभी पड़ती है तो उसमें कुछ समझदारी होती है। तो एंकरिंग तो कैसी करी केएल राहुल ने आज? ठीक ठाक की, नॉट आउट रहे जोशना से, लेकिन अच्छी नहीं होगी। जोशना का अभी भी एंकरिंग नाम केएल राहुल से ऊपर ही मानेंगे। जी हाँ, लेकिन अच्छा ये था कि अपना टाइम लिया केएल राहुल ने और अंत में नॉट आउट रह के, जैसे विराट कोहली जिताते मैचेस वैसे उन्होंने मैच जिताया और क्रिस गेल ने सही टाइम पर आकर उनकी मदद की, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस केएल राहुल की आज। और पंजाब किंग जिस तरह से आपने देखे दृश्य, वो जीत उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो IPL पॉइंट्स टेबल में जब कड़ा मुकाबला होता है तो देखने में भी मजा आता है। जी बिल्कुल, कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है तो मजा आता है। अंजुम, ये बात हुई केएल राहुल की, मयंक अग्रवाल ने भी ठीक ठाक खेला, लेकिन मैं क्रिस गेल की बात करना चाहूंगी। क्रिस गेल ने आज अपनी पर्सनालिटी के विपरीत खेला, क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि जब मुंबई के बल्लेबाजों को टिकने में इतनी मुश्किलात हो रही है तो पंजाब के लिए आज ये जीत कितनी जरूरी है और खासकर टिकना खेलना। आई थिंक परिस्थितियों के अनुकूल खेलना, यही एक एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज की निशानी है। और हम सभी जानते हैं कि क्रिस गेल जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते थे, अब तो खैर फिर भी वापस उसी श्रेणी में धीरे धीरे आते जा रहे हैं, लेकिन जब शुरुआत में आए थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने में तो तब बिल्कुल तेज तरीके से रन बनाते थे, लंबे शॉट्स लगाते थे और केवल लंबे शॉट्स लगाने के लिए ही जाने जाते थे और इनफैक्ट बल्लेबाजी तब करते थे अगर उनको एक या 2 रन लेने लगे तो वो अपने विकेट फेंक के चले जाते थे। लेकिन अब जिस श्रेणी में वो खेल रहे हैं, अब जिस समय में वो खेल रहे हैं, वहां उनके पास अनुभव बहुत सारा है, इस टूर्नामेंट में खेलने का भी अनुभव है और जरूरी नहीं है कि बतौर खिलाड़ी जिस तरीके से वो खेलना पसंद करते हो वैसे परिस्थितियां हो, आपको अपने आप को चेंज और ऑल्टर करना ही पड़ेगा, ढालना ही पड़ेगा। और आई थिंक बहुत समझदारी है। मैं अभी भी हैरान हूँ कि क्रिस गेल के साथ पंजाब किंग्स परसिस्ट कर रही है अपने इस लाइनअप में और बदलाव बल्लेबाजी के क्रम में देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर डिफिकल्ट पिच पे क्रिस गेल जैसा बल्लेबाज इतनी समझबूझ से बल्लेबाजी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। और संजय, बात हुई केएल राहुल की, बात हुई क्रिस गेल की, या मुझे लगता है थोड़ी बात मयंक अग्रवाल की भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब किंग्स को आज शुरुआत दिलाई, अगर मान लीजिए शुरुआत में थोड़ी जल्दी विकेट गिर जाते, जो तेजी से रन बने वो ना बनते,
तो हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में रन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था इस विकेट पर। देखिए भारत कह रहा हूं मैं, मुंबई इंडियंस ने 21 रन किए 6 ओवर में जैसे मैंने कहा, और उसके कंपैरिजन में पंजाब किंग्स ने शायद 45 के करीब पहले 6 ओवर में रन बनाए, और उसका श्रेय पूरा मयंक अग्रवाल के साथ जाता है। और केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जोड़ी जब एक साथ होती है तो आप हमेशा देखेंगे कि मयंक अग्रवाल ज्यादा फ्रीली खेलते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर राहुल से हट जाता है, जो बल्लेबाज पीछे आने वाले उनसे भी हट जाता है। तो एक बड़ा स्कोर उन्होंने जरूर खड़ा नहीं किया, लेकिन एक जो होता है ना थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं बाकी बल्लेबाजों के, ऐसे ही इनिंग्स उन्होंने आते। और संजय एक थोड़ा सा सवाल मैं आपसे इस थोड़े मैच से, अगर इन दोनों टीमों के अलावा पिच की यहाँ बात करना चाहूँ, क्या आपको लगता है एक T20 के लिए चेन्नई की जो पिच है वो आइडियल है या नहीं? चेन्नई की पिचेस आजकल ऐसी रही है, टेस्ट मैचेस में भी हमने देखा, पहले टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ एकदम स्लो टर्नर था, सेकेंड मैच में अंजुम फास्ट टर्नर था और अभी जनरली पिचेस यहाँ पर टर्न होते हैं और दिखता भी काफी टैकी है। तो कोशिश चल रही है क्यूरेटर की, जो असली रूप है पिच का उसको बदल के जितना अच्छा हो सके उतना करना चाहिए, लेकिन आपने सही कहा ये ऐसा पिच नहीं होना चाहिए। और अक्सर किसी भी जगह कोई मैच दी जाती है तो सब चीजों का ख्याल रखा जाता है कि एयरपोर्ट सही है कि नहीं, प्लेयर्स को ट्रैवल करनी है, होटल अकोमोडेशन ड्रेसिंग रूम, तो पिचेस की तरफ भी थोड़ी सी नजर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए पिचों पर भी नजर इनायत करने की जरूरत है। अंजू मेरे आपसे दो सवाल, पहला सवाल रोहित शर्मा को लेकर जी, इस पिच पर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करके दिखाई लेकिन वो बल्लेबाजी टीम के काम नहीं आई, टीम को जीत नहीं दिला पाई। और एक बात आपने कही थी और लगातार आप कहते हैं कि जब तक कोई यूनिट जीत रही होती है तब तक बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश इसमें होती नहीं है, लेकिन अब ये कॉन्जिक्यूटिव दूसरी मुंबई के लिए हार, तो अब आप क्या इनके बैटिंग लाइनअप में कुछ बदलाव देख रही है या स्ट्रैटेजी में? मुझे तो लगता है बदलाव होना चाहिए दोनों, मेरे को खास तौर पे लगता है कि क्विंटन डिकॉक की जगह पे आपको ईशान किशन से विकेट कीपिंग करानी चाहिए, और अगर अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज चाहिए तो वापस क्रिस लिन को ला सकते हैं। हालांकि इस पिच पे कोई भी स्ट्रोक प्लेयर अनुकूल नहीं है, लेकिन ये बदलाव आप कर सकते हैं जाने के लिए, या अगर आप चाहें तो मिडिल ऑर्डर के अंदर किसी एक आध बल्लेबाज को थोड़े समय के लिए रेस्ट दे सकते हैं, बिकॉज ये पिच डिफिकल्ट है ये मालूम है, लेकिन यहीं पे मैच खेलना है। आप ज्यादा मैचेस हारते जाएंगे तो पिछड़ते जाएंगे, वो मुंबई इंडियंस कर नहीं सकते। बिल्कुल, चलिए बात करते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, बदलाव होने वाला है मुंबई इंडियंस के लिए, क्या अभी इसके बाद मैचेस होंगे दिल्ली में, अंजुम आपके शहर में, तो शायद एक दो मैचेस वहां पर देखेंगे और फिर उसके बाद में सीरियस बदलाव की शायद वो कोशिश या उसके तरफ ध्यान देगी। मतलब पिच के लिहाज से थोड़ी सी चैन की सांस मुंबई इंडियंस जरूर लेगी। चलिए अब बात करते हैं, अगर दिल्ली में अच्छा पिच रहा तो अभी अंजुम को पता होगा कि वहां का पिच कैसा है। अंजुम कोई अपडेट? दिल्ली में अच्छा पिच है बिकॉज आज सुबह ही बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है और कोई क्रिकेट नहीं हुई है फिरोजशाह कोटला के मैदान पे काफी समय से, तो पिच क्यूरेटर को बहुत समय मिला है एक अच्छी पिच बनाने का, कम से कम 2-3 दिन तो बढ़िया निकल जाएंगे, आगे देखते हैं। चलिए 2-3 दिन। अंजुम चोपड़ा ने कहा खुद पिच जाके देख के आए, अंजुम चोपड़ा गेट के थ्रू से जाके फिरोजशाह कोटला पे उन्होंने पिच देख के आए। चलिए मुंबई के लिए कम से कम 2-3 दिन के लिए राहत की खबर है, उसके बाद फिर हम बरसात पर निर्भर करेंगे। अब बात करते हैं आज के मैच के सबसे बड़े ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी की, तो केएल राहुल बने हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी, 89 इनके हैं फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 341। इसके अलावा एक और है हमारे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी और ये है रोहित शर्मा। रोहित ने 63 रन की पारी खेली, इनके फैंटेसी पॉइंट्स हैं 84 और इसके साथ इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 277। एक और खिलाड़ी हैं जो आज के तीसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं और ये हैं क्रिस गेल। गेल ने नाबाद 43 रन की खेली पारी। आपको बता दें कि इनके जो फैंटेसी पॉइंट्स हैं वो हैं 68 और टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स वैभव 188। और दोस्तों तीनों जो खिलाड़ी हैं वो गेम चेंजर आज के मैच में होने भी चाहिए थे, क्योंकि जिस विकेट पर सिंगल्स लेना बहुत मुश्किल था वहां पर इन्होंने चौके भी मारे हैं छक्के भी मारे हैं। देखिए केएल राहुल और क्रिस गेल विनिंग साइड में एंड हुए हैं, वहीं रोहित शर्मा जो है लूजिंग साइड में एंड हुए, तो इसी पर सवाल ले लेते हैं संजय से। संजय आपके लिए इन तीनों में से सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी आज के मैच में कौन थे? कहना होगा केएल राहुल, क्योंकि अंत में मैच जिताया, अंत तक वहां पर रहे, लेकिन केएल राहुल पहले
पूरा श्रेय अपने बोनस को देंगे, क्योंकि 131 बिल्कुल स्कोर ही नहीं था, वहां पर ही मुंबई इंडियंस मैच हार गया था। लेकिन जो तीन हमने गेम चेंजेस वहां पर देखे, उसमें शायद केएल राहुल सबसे बड़े गेम चेंजर थे। सबसे क्वालिटी बैटिंग जो देखने को मिली वो रोहित शर्मा के बल्ले से दिखी, और क्रिस गेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण। केएल राहुल आपको कॉल करने वाले हैं जरूर, थैंक यू बोलने के लिए। क्यों जी, देखिए इतनी तारीफ कर दी आज आपने उनकी। मुझे लग रहा है वैभव को फोन करेंगे। अगर मुझे कॉल आएगा तो मैं संजय सर को मैसेज भेजूंगा। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता हूँ और उसके ऊपर मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, इसमें तारीफ और बुरी बात ऐसे कुछ नहीं होता, सिर्फ ओपिनियंस होते हैं। लेकिन जी देखिए, ये नो एजेंडा स्टेटमेंट है, जो प्लेयर ने अच्छा खेला उसकी तारीफ हुई है। और केएल राहुल बिल्कुल सही है, क्योंकि रन जब कम भी रहते हैं तो भी कप्तान को ही लेके जाना पड़ता है टीम को एंड तक, तो यहाँ मुझे लगता है केएल राहुल बहुत अच्छा खेल के गए। जी बिल्कुल, आज कप्तान ने अपनी टीम की लगाई है नया पार और इसलिए जीत का चखा है स्वाद। बहरहाल बहुत शुक्रिया संजय जी, अंजुम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही, कल शाम 7 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला और हमारी होगी आपसे इसी बीच मुलाकात। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।